गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज अभी बज रहे हैं 10 और अभी भी मैंने नहाया है, फ्रेश हुई हो, उसके बाद अभी बनाने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए और बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट बनने वाला है आज। तो शेयर तो करना तो बनता ही था, तो शेयर करूँगी अभी आपके साथ उसकी रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और सबसे पहले आज की डेट क्या है वो बता देती हूँ। तो आज की डेट है 30 और कल से न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है। मतलब बता इसलिए रही हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है जुलाई में, फिर भी बता रही हूँ। मतलब किसी के फैमिली में बर्थडे वगैरह तो है नहीं, फिर भी बता रही हूँ। और आप लोगों के बर्थडे हो तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, मैं आपको भी जरूर करूंगी। और किसी के एनिवर्सरी भी हो तो वो भी कमेंट करके बताना मुझे। और हाँ, घर के सारे काम भी हो चुके हैं, मतलब क्लीनिंग वगैरह, और आज मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए हैं, बहुत जल्दी हो गया है आज सब कुछ। तो कपड़े भी वॉश किए हैं, कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट ही बनाना है। तो चलिए टाइम पास नहीं करती हूँ, जल्दी से रेसिपी शेयर करती हूँ क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है। तो जल्दी से बनाती हूँ और जल्दी से खाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है इसमें ये मूंग के स्प्राउट्स, और मूंग को मैंने सुबह भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने रात को बांध के रखा था उसे, और ये इस तरह से सुबह अंकुरित हुए हैं और बहुत ही अच्छे से स्प्राउट्स बने हैं। और ये ना आप वैसे भी दाल ले सकते हो, आप बिना छिलके वाली दाल ले सकते हो, इसमें उसे भिगो के रख सकते हो और उसमें वो पीस सकते हो, बट मैंने ये लिए है क्योंकि ये ना ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है इसकी, अगर आप स्प्राउट्स बनाते हो इसके तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दुगना बढ़ जाती है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इसी वजह से मैंने इस तरह से लिए है। और वैसे भी मैं ये भिगो के रख ही देती हूँ तो इसीलिए ये यूज़ हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे, और मतलब आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा इससे। तो इसी तरह से मैं इसको पीस लूँगी अच्छे से, थोड़ा सा पानी डाल के पीसना है आपको, वैसे पीसोगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, इसीलिए उसका चीला बनाना जो हम डोसा बनाने वाले हैं तो वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग इसे डोसा भी बोल सकते हैं और इसका मूंग का चीला भी बोल सकते हैं, एक्चुअली ये एक जैसे ही हो जाता है। और इसमें मैंने ऐड किया है जीरा तो और थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसे अच्छे से पीस लूँगी। जीरा मैंने पहले ही इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरे पास जीरा पाउडर नहीं था, अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो आप इसमें जीरा ऐड मत करिए। अच्छे से इसका चिकना पेस्ट बना लेना है ताकि इसका जो डोसा हम लोग बनाने वाला है वो बहुत ही अच्छे से बने और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बने, तो इसी वजह से हमें इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ताकि पेस्ट बनाने के टाइम ही ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के, मतलब ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो पानी आपको मैं दिखा दूँगी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए इसकी। इसके बाद हमें अच्छे से पीस लेना है। अभी पीसना हो गया है तो अभी एक बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे इसे, और उसके बाद हमें इसमें मसाला ऐड करने हैं। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा सा और पतला चाहिए तो मैं उसके बाद थोड़ा सा दूंगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक बर्तन में निकाल लिया है उसे, और उसके बाद हमें इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं।
अभी आपने देख लिया कि उसमें जो मैंने मिक्सी के पॉट में जो निकाला था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और फिर उसमें जो पानी है वो हम लोग उसमें डाल देंगे तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो बस इसमें स्पाइसेस सब मेरे नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं वही डालने हैं, मतलब जो हमें रेगुलर हम यूज़ करते हैं वही, हल्दी, जीरा और जीरा पाउडर। मैंने जीरा पहले ही ऐड किया था तो जीरा पाउडर मैं ऐड नहीं करूँगी यहाँ पे। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड की है, और धनिया पाउडर नहीं था मेरे पास इसीलिए धनिया पाउडर ऐड नहीं किया, बट आपको धनिया पाउडर ऐड करना है इसमें। और बस आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे, थोड़ा सा नमक ऐड करके, नमक आपको बाद में ऐड करना है जब इसका चीला बनाएंगे हम लोग। अब आपको ये थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है इसे, और उसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। तो पनीर भुर्जी के लिए मतलब जो स्टफ हम लोग करेंगे, तो ये हमारा मसाला डोसा बनने वाला है, हेल्दी मसाला डोसा। तो यहाँ पर मैं पनीर की भुर्जी बनाने वाली हूँ, और भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं पनीर को ग्रेड कर लूँगी। तो यहाँ पर पनीर ग्रेड हो चुका है, आप इसे क्रश भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, मतलब जैसा आपको ठीक लगे, जो इजी जाए आपको। उसके बाद मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, एकदम लेस ऑयल में बनाना है आपको इसे, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा उसमें जीरा ऐड करूंगी, और जीरा ऐड करने के बाद, जीरा चटकने के बाद उसमें प्याज ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी आपको ऐड करना है उसके बाद। और फिर अगर आप टमाटर चाहिए हो आपको तो टमाटर भी ऐड कर सकते हो। ये प्याज थोड़ा सा अच्छे से भून जाने के बाद, गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद, उसमें आपको क्या बोलते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है, और फिर आपको उसमें टोमेटो भी ऐड करने हैं। तो बट टोमेटो मैंने इस बार ऐड नहीं किए थे क्योंकि बच्चे टोमेटो खाते नहीं है, इसीलिए मैंने टोमेटो ऐड किया है, निकाल मैंने प्याज ही ऐड किया है। आप चाहो तो टोमेटो भी ऐड कर सकते हो, और टोमेटो से भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसकी, बट मैंने टोमेटो आज ऐड ही नहीं किया था। तो इसमें हमें डाल देना है मसाले, बेसिक से मसाले, जो लाल मिर्च पाउडर और हल्दी है और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर तो मेरे पास नहीं है इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और बस थोड़ी देर ढक्कन रख के पका लेना है। तो ये बन जाएगी आपकी भुर्जी स्टफिंग के लिए, मतलब स्टफिंग मीन्स वही जो मसाला हमें बनाना है उसका, डोसे का। तो उसके लिए ये भुर्जी बन जाएगी आपकी। उसके बाद थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर दूँगी और अच्छे से और मिक्स कर लूँगी। तो बस ये हो जाएगा हमारा मसाला रेडी, और उसके बाद हम लोग चीला बनाने की, मीन्स डोसा बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो पेस्ट था हमारा बैटर बना के रखा था उसमें नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी तवे पे, मतलब तवे पे ये चिपके ना इसी वजह से, थोड़ा सा क्रिस्पी भी बन जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। और इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये चिपके ना, जो हम डोसा बनाने वाले हैं वो। तो इस पे अच्छे से बैटर डाल देना है आपको इस तरह से डोसे का, और अच्छे से घुमा लेना है उसे, जैसे हम लोग डोसा बनाते हैं वैसे, बट डोसे जैसा घूमेगा नहीं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से करना है, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने किया था, वैसे ही आपको करना है। तो हल्के हाथों से स्प्रेड करना है इसे, और बस राउंड शेप ला लेना है इसका, और बस इस तरह से बन गया है हमारा डोसा। तो इसके ऊपर हम लोग लीड रख के थोड़ी देर पका लेंगे, मीन्स हम इसे थोड़ी देर स्टीम आने देंगे, और पक जाए तो फिर अंदर से भी, मतलब नीचे से भी ये छूट जाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर डोसा छूट नहीं रहा है, तो थोड़ी देर लीड रख के पका लेंगे तो ये अच्छे से नीचे से छूट जाएगा, और फिर हम लोग पलटा लेंगे। तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, मतलब इसी तरह से हम लोग दूसरी साइड को भी पलटा लेंगे, और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से जाली भी आई है। हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, मीन्स हमने इसमें क्या बोलते हैं, सोडा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है, इनो वगैरह, फिर भी कितनी अच्छी जाली आई है। और ये बन गया हमारा मसाला डोसा, हमने इसमें मसाला ऐड किया है और रोल कर दिया है। तो ये हमारा मसाला डोसा रेडी है। हम लोग इसे सॉस के साथ भी खाते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरी ग्रीन चटनी भी आज ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसे सॉस के साथ खाया है। तो बस ये बच्चों को दे दूँगी और अपने लिए बना लूँगी, तो मैं और बच्चे ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेंगे। आप भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने। और यहाँ पर थोड़े से बच्चों के दूध उसके बर्तन निकले थे, तो वो भी मैं वॉश कर लूँगी लगे हाथ। और चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। अद्विक ने तो नहाया भी नहीं है, है ना? हाँ। थोड़ी देर में नहला दूंगी आपको, ठीक है? चाबी है मेरी कार, मेरी साइकिल की। कार की साइकिल को चाबी होती है अद्विक? हाँ। और कैसे लगानी पड़ती है वो? कैसे? ऐसे ऐसे करते हैं। कैसे दिख रहे हो आप? नहाया नहीं है तो। और ये क्या बना दिया? मास्क बना दिया। ये मास्क है
और नहाना है ना अभी, चलो थोड़ी देर में नहला देती हूँ आपको। हाँ, लंच में अभी सिर्फ दाल को तड़का देना बाकी है, सारा कुछ बन गया है, चावल और रोटी बन गई है, दाल को सिर्फ तड़का दूंगी अभी और फिर उसके बाद हमारा लंच भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए अभी लंच बनाती हूँ और दाल को तड़का देती हूँ और दाल भी क्या बोलते हैं, एक मिनट, बच्चों ने तो दाल चावल वैसे ही खा लिए है, मतलब जितनी थोड़ी सी दाल बनाई थी मैंने उसमें से चावल और दाल, मतलब जो प्लेन दाल होती है वही बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तड़के वाली दाल बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसीलिए प्लेन दाल और चावल बच्चों ने खा लिए हैं और सिर्फ थोड़ी सी दाल बची है उसको ही तड़का लगाऊंगी और वो हम दोनों के लिए हो जाएगी। तो चलिए अभी बनाते हैं। तो बस दाल को तड़का देना हो गया था और मैं भूनने वाली थी पापड़, तो यहाँ पर मैंने पापड़ रख दिया और उधर ध्यान देने लगी तो यहाँ पर मेरा पापड़ भी गया है। और आप देखते हो आपके साथ ऐसा है क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी कभी मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, कभी दूसरी चीज़ों में ध्यान चला जाता है, कभी बर्तन क्लीन करने में लग जाती हूँ तो कभी किसी में, तो कभी सब्जी जल जाती है तो कभी ऐसे कुछ हो जाता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। जो पापड़ का जला हुआ हिस्सा ना, तो वो निकाल दूंगी और उसके बाद फिर अपने लिए और इनके लिए मैं प्लेट निकाल रही हूँ। ये ड्यूटी से आने वाले होंगे तो बस अपने लिए और इनके लिए प्लेट निकाल लूँगी और हम लोग फिर खाना खा लेंगे। तो लंच का टाइम हो चुका है। हे गाइज, आज है नेक्स्ट डे और कल खाना खाने के बाद मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, इसी वजह से व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई और मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि यार क्या हो गया है, बॉडी पेन कर रही थी अचानक से, पता नहीं क्या हो रहा था, तो इसीलिए व्लॉग को ना एंड ही नहीं कर पाई और आपसे बात भी नहीं कर पाई उसके बाद, तो मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं सो गई एक्चुअली, उसके बाद शाम को उठी ना तो और भी ज़्यादा बॉडी पेन हो रही थी, तो मैंने टैबलेट वगैरह ली, फिर थोड़ी देर और आराम किया तो फिर मेरा मन ही नहीं किया ब्लॉग को एंड करने का और कुछ बात करने का, और ब्लॉग को अगर एंड भी करती तो उसके बाद ब्लॉग को एडिट करना था तो वो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा, तो इसीलिए कुछ भी नहीं किया कल, थोड़ी सी रेस्ट की और अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ क्या हुआ था। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि ये जो सोफ़ा है हमारा इसमें क्रीम कलर है, तो इसमें क्रीम कलर में दाग वगैरह गिर जाता है तो आप इसे क्लीन कैसे करते हो, तो डियर ये जो कपड़ा है आप देख सकते हो, ये जो कपड़ा है ये लेदर है, मतलब क्रीम कलर का जो कपड़ा है वो लेदर है और ये जो कपड़ा है वो वेलवेट है, तो लेदर के ऊपर कोई दाग भी गिर जाता है ना तो आप इजीली क्लीन कर सकते हो उसे। और कुशन भी आप देख सकते हो, ये जो कपड़ा है सेम कपड़ा यूज़ किया है कुशन में भी, तो आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हो, जैसे इस पे दाग वगैरह भी गिर जाता है ना तो कोई गीले कपड़े से हम लोग क्लीन कर लेते हैं या थोड़ा सा लिक्विड सोप वाले कपड़े से हम लोग क्लीन कर लेते हैं, इसे इजीली क्लीन हो जाता है। और उसके ऊपर ड्राई कपड़े से अगर क्लीन करते हो तो इजीली क्लीन हो जाता है, कोई दाग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
तो इस तरह का ये कपड़ा है, मतलब लेदर है, इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह का कपड़ा है। और हाँ, आज प्रिया बराठी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, आपको आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले, आप जो चाहो मिल जाए और आपके आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए। और इनका जो बर्थडे है, बहुत अच्छे दिन आया है, आज है आषाढ़ी एकादशी, और मेरी तरफ से जो मराठी मुझे देख रहा है उन सभी के लिए आषाढ़ी एकादशीच्या खूब खूब शुभेच्छा तुम्हा सर्वांना। तो चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।